बलौदाबाजार जिले की कसडोल विधानसभा सीट से विधायक शकुंतला साहू एक बार फिर से सुर्खियों में है। विधायक ने अपने पद का रौब दिखाते हुए तहसीलदार का 3 घंटे में ट्रांसफर करवाने की धमकी दी। विधायक की धमकी देने के ठीक 2 घंटे बाद तहसीलदार का तबादला भी हो गया। बताया जा रहा है कि रेत के अवैध उत्खनन मामले में विधायक ने तहसीलदार को धमकी दी। पिछले दिनों पलारी तहसीलदार नीलमणि दुबे ने अवैध रेत उत्खनन मामले में कार्रवाई की थी, जिसमें बिना रॉयल्टी के अवैध रेत लेकर आ रहे वाहन भी शामिल थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिन गाड़ियों को पकड़ा गया है वह विधायक के करीबी की थी। तहसीलदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई के बाद विधायक मैडम बहुत गुस्से में थी। विधायक ने कहा कि 3 घंटे के भीतर ट्रांसफर करवा दूंगी और उसके बाद 2-3 घंटे में ट्रांसफर लेटर प्राप्त जारी हो गया। तहसीलदार ने बताया कि वह मोहान गांव में नदी के बहाव के कारण किसानों की जमीन का शरण मामले की जांच कराने गए थे। जब वह वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक रेत से भरी हाईवा दिखा। जब हाईवा की रॉयल्टी की जांच की गई तो उसमें अवैध रेत भरी थी, जिसे माइनिंग विभाग के सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि मामला 29 मार्च 2023 का है। कार्रवाई के बाद विधायक ने 3 घंटे में ट्रांसफर करने की धमकी दी। विधायक की धमकी के 2 घंटे बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। इस मामले को लेकर प्रदेश के सभी तहसीलदार लामबद्ध हो गए। नाराज तहसील ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों ने कामकाज ठप्प कर दिया है। इस हड़ताल का समर्थन वकील संघ ने भी किया है। कर्मचारियों का कहना है कि तहसीलदार के खिलाफ नियमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक शकुंतला साहू विवादों में आई हो। शकुंतला साहू एक बार IPS अंकिता शर्मा के साथ भिड़ गई थी, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही पुलिस कार्यवाही का विरोध करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उनकी वहां पर मौजूद IPS अंकिता शर्मा के साथ जमकर बहस हुई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। प्रदेश के सभी तहसीलदार लामबद्ध होकर आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं और भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल है कि क्यों नाराज है प्रदेश के तहसीलदार? क्या दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी? और भाजपा के आरोपों का क्या जवाब देगी कांग्रेस? अवैध खनन पर पहले से हमलावर बीजेपी को इस घटना में बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है और अब बीजेपी नेता अवैध खनन के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हंगामे के बाद कसडोल विधायक शकुंतला साहू ने चुप्पी साध ली है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय जांच की बात कही है। खनन माफिया से अधिकारियों और सफेदपोशों के गठजोड़ के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। कार्रवाई के बाद प्रशंसा और पुरस्कार के बजाय ट्रांसफर हो जाए तो नाराजगी लाजमी है। बहरहाल, क्या वाकई रेत माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और अधिकारी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।